चुनाव को लेकर के, तो 6 सीटें ऐसी हैं जहां पे समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने लड़ रही है, जबकि बलहा एक ऐसी सीट है जहां पे कांग्रेस का भी अस्तित्व काफी बेहतर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे जो बलहा की प्रत्याशी किरण भारती कांग्रेस की प्रत्याशी है, तमाम लोगों का जुड़ाव उनके साथ में देखा जा रहा है। पोलिंग बूथ पर भी हमने कई लोगों से बात करने का प्रयास किया, जिसमें लोगों का ये कहना है कि हम किरण भारती के लिए वोट कर रहे हैं, यानी कांग्रेस के लिए वोट कर रहे हैं। तो महज एक सीट ऐसी है बलहा की जो कांग्रेस पे, जहां पे त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है, कांग्रेस वहां पे अच्छी फाइट कर रही है। हालांकि बाकी जो 6 सीटें हैं वहां पर समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने कड़ी टक्कर देखी जा रही है। जी जी बिल्कुल संजय, यहाँ पर जो ये 2 सीटों की आप बात कर रहे हैं ये भी काफी अहम मानी जा रही है। ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी का काफिला पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त स्टार प्रचारक के तौर पर पीएम मोदी ने पूरी कमान संभाल ली है और उनका चेहरा इस वक्त बीजेपी के लिए काफी अहम है। वाराणसी में पीएम मोदी की यह जनसभा है, बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और इस बार की जो वोटिंग हो रही है बीजेपी में वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के चेहरे पर, पीएम मोदी जो एक ब्रांड बन चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को होता हुआ दिख भी रहा है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ पंकज चतुर्वेदी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर वोटिंग के लिए, वोट की अपील करने के लिए उतरे हैं, उसका कितना असर जनता पर देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के नहीं देश के स्टार प्रचारक माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बनारस की बात करें तो बनारस के सांसद भी हैं और जो 8 विधानसभा क्षेत्र है उनके जो 20,000 से ज्यादा बूथ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साह से लबरेज हैं, उनके अंदर उनका जोश दुगना चौगुना हो गया है अपने सांसद को, देश के प्रधानमंत्री को अपने बीच में देखते हुए। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि जो है पूर्वांचल में जो है काफी इसका असर जाएगा, 115 सीटें पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीती थी, तो कहीं ना कहीं ये बनारस के अलावा पूर्वांचल में भी इसका एक मैसेज जाएगा और इसका जो जोश कार्यकर्ताओं में खास देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री गए उसके पहले मोटरसाइकिल की सैकड़ों की संख्या मोटरसाइकिल पे जो है कार्यकर्ता जो है मोदी योगी जिंदाबाद करते हुए गए, और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत जो है आत्मविश्वास से भरा काम यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए है। जी बिल्कुल पंकज, यहाँ पर देखा जा रहा है इतिहास दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए थे, जैसा कि आपने बताया कि 115 सीटें यहां से बीजेपी ने जीती थी और इस बार भी इतिहास दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो यहां की जनता है उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि यहां पर जो लड़ाई वो साफ तौर पर बीजेपी वर्सेस सपा ही देखने को मिल रही है। जी आप बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको, भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल आज की डेट में है सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, और यहाँ पे फैक्टर जो योगी मोदी फैक्टर ही चल रहा है, क्योंकि कई जगह जो प्रत्याशियों के प्रति काफी असंतोष है लोगों में, पर कहीं ना कहीं वो योगी और मोदी का चेहरा देख के भारतीय जनता पार्टी को फिर से वोट देना चाहते हैं, मत देना चाहते हैं। जैसे मैं फील्ड में जाता हूँ, चाहे ग्रामीण अंचल में मैं गया या शहरी विधानसभा क्षेत्रों में जो कवरेज की, तो उस दरमियान यही देखने को मिला कि प्रत्याशी से तो खुश नहीं है पर मैटर यहाँ योगी और मोदी का। एक छोटा सवाल मेरे मन में आ रहा है जी पंकज, एक तो ये निश्चित रूप से ये इसका असर पड़ेगा। जी पंकज, एक छोटा सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जनता तो राम मंदिर के मुद्दे पर काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है कि उनका कहना भी है कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, लेकिन जनता कहीं ना कहीं रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर असंतोष भी नजर आ रही है। बिल्कुल जी, मैंने पहले भी बताया कि असंतोष प्रत्याशियों को तो लेके है ही है, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है महंगाई और बेरोजगारी को भी है, पर कुछ जैसे मतदाता ने जो है जबे जुबान में कहा कि और दल जो आएंगे
उनमें जो है थोड़ी गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, तो उनका जो है वो दबे जबान वो समाजवादी पार्टी को घेरना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज जनता के मन में है कि हमारे पास विकल्प भी नहीं है, तो ये भी एक कारण हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर लोग जो है अपना मत डालना चाह रहे हैं और भाजपा को फिर से सत्ता पे जो है काबिज करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अगर हम कानून और व्यवस्था की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो ये तो पहले की सरकारों से बेहतर रही है, इसमें कोई गुरेज कहने में नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलेगा वो मोदी और योगी के फेस पे वोट मिलेगा। जी बिल्कुल पंकज, यहाँ पर ये तो जो तस्वीरें हैं तो धीरे धीरे साफ होती ही जा रही हैं कि जनता का जो रुझान इस वक्त है वो योगी और मोदी को ही देखते हुए मिल रहा है। लेकिन जो असंतोष की भी बात हमने कही कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर जनता बोल तो रही है लेकिन दबी जुबान से